सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी जरूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में, मैं रोहित, अपने इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, जब बात आती है कि इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तब बुद्धिमान लोग एक ही बात कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका स्वास्थ्य। वो क्यों? यदि स्वास्थ्य अच्छा है तभी सब कुछ उसके लिए है। सभी रिश्ते, रिश्तेदार, प्राकृतिक सुंदरता, सभी खाद्य सामग्री। और यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेमानी लगता है। और ये स्वास्थ्य अच्छा तभी आ सकता है जब इंसान का पाचन तंत्र परफेक्ट हो, मजबूत हो। और इंसान का पाचन तंत्र मजबूत एक कंडीशन में रह सकता है जब उसके पाचन तंत्र का सबसे अहम अंग यानी कि लिवर अपने सभी कार्य सुचारू रूप से करे। दोस्तों, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि इंसान के पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग लिवर है, परंतु ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर वो क्या परिस्थिति हैं जिनमें ये अंग अपना कार्य सुचारू रूप से कर नहीं पाता, धीरे धीरे खराब होता जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसान के शरीर में जन्म लेती हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, खाना सही तरीके से ना पचना, खाना खाते ही उल्टी हो जाना या फिर खाना खाते ही शौच की तरफ भागना। और एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो है इंसान के शरीर में पित्त की वृद्धि। पित्त की वृद्धि होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर बहुत गंभीर एलर्जी हो जाना वगैरह वगैरह, बहुत समस्याएं हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लीवर एकदम से खराब हो जाता है, इस प्रक्रिया में काफ़ी साल लगते हैं, कई बार 5-6 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। परंतु आखिर वो क्या क्या परिस्थितियाँ हैं जिसमें लीवर में खराबी उत्पन्न होती है? खाना वक्त बेवक्त खाना, स्वाद के वशीभूत होकर जंक फूड, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बादी हैं यानी कि गर्ष पदार्थ हैं, मतलब कि एसिडिक फूड हैं, उसमें जैसे कि राजमा, सफ़ेद छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द, अरबी, नॉन वेज, ये सब बहुत एसिडिक फूड हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर में एसिडिटी की क्वांटिटी बढ़ती है और धीरे धीरे बॉडी का ये पार्ट जो कि हमारे पाचन तंत्र में सबसे अहम भूमिका निभाता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। इस बात को आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, चाहे गूगल पे या आपकी रिलेशन में कोई भी बड़े वैद्य हो, हकीम हो, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हों, आप उनसे पूछिए, ये बात आपको वो क्लियर बताएंगे कि मानव शरीर को जो डाइट चाहिए उस डाइट में 70% एल्कलाइन होना चाहिए यानी कि क्षार, और 30% एसिडिक फूड होना चाहिए। परंतु आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, 20% भी एल्कलाइन डाइट बॉडी के अंदर नहीं डालते और 80% एसिडिक फूड बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो दोस्तों, नतीजा तो मिलना ही है, लीवर खराब तो हो ही होगा। दोस्तों, एक चीज और है जो कि इंसान के पाचन तंत्र में मौजूद लीवर को खराब करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है, और वो है शराब यानी कि विस्की। इसका प्रचलन आजकल इतना बढ़ता जा रहा है कि 99% लोग, चाहे वो लेडीज हों या जेंट्स, सभी इसको रेगुलर इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने में। तो दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना LFT टेस्ट करें, उसमें रिपोर्ट्स हैं, अगर उसमें SGOT, SGPT उसकी वैल्यूज अप डाउन है तो आप वो तरीका अपना सकते हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तरीका आसान है परंतु उसके ऊपर चलना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु चलना तो पड़ेगा क्योंकि जिंदगी का सवाल है, अगर लाइफ है तो सब कुछ है। दोस्तों, वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इंसान को जानकारी जुटाने के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं,
सब कुछ उसके हाथ में है। मोबाइल फ़ोन, आप गूगल खोलिए, उस पर टाइप कीजिए एसिडिक फूड एल्कलाइन फूड, सभी एसिडिक फूड एल्कलाइन फूड आपके स्क्रीन पे होंगे। सबको डायरी पर नोट कीजिए, जो जो एसिडिक फूड आप इस्तेमाल कर रहे हों सभी लाइफ से बाइकआउट कीजिए और एल्कलाइन डाइट को बॉडी के अंदर स्थान दीजिए। जितनी मुझे जानकारी है वो सभी एसिडिक फूड जो कि बिल्कुल इंसान को इस्तेमाल नहीं करने वाली चीज़ें हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। जो चीज़ें इंसान के पाचन तंत्र को सही रखने में काम आती हैं वो भी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, आप जरूर पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, काफ़ी अच्छी जानकारी है। बहुत मेहनत करने के बाद, काफ़ी तजुर्बे करने के बाद ये जानकारी इकट्ठी की है। दोस्तों ये बात तो थी परहेज की, अब आती है बात इलाज की। इलाज का तरीका बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ आपके किचन में है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है जीरा यानी कि क्यूमिन। एक चम्मच जीरा एक गिलास पानी में धीमी आंच पे तब तक उबालिए जब तक वो पानी आधा रह जाए। उसके बाद छान के उस पानी में दो चुटकी काला नमक मिलाइए और सुबह सुबह खाली पेट उसको आराम से बैठ के चाय की तरह पीजिए। चाय कॉफ़ी बिल्कुल लाइफ से निकाल दीजिए। पहले नंबर पे तो यह हुआ सुबह सुबह खाली पेट जीवे का अर्क। ओके, फिर अपने टाइम पे जो भी आप नाश्ता करते हैं नाश्ता कीजिए। फिर रात में सोते समय ये एक चम्मच सौंफ और ये दो दाने छोटी इलायची, इन दोनों को ठीक उसी तरीके से बॉईल कीजिए एक गिलास पानी में जैसे आपने जीरा बॉईल किया था। धीमी आंच पे जब पानी आधा रह जाए तब उसे रात में सोते समय आराम से पीजिए एक एक घूट करके। ओके, और उसके अलावा पानी की क्वांटिटी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए आराम से बैठ के एक एक घूट करके। ओके, अब बात तीसरे नंबर की। थर्ड नंबर पे जब आप चाय और कॉफ़ी छोड़ेंगे तो उसकी जगह पे आप यूज़ कीजिए ग्रीन टी का। ग्रीन टी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, पूरा वर्ल्ड जानता है, सभी पहचानते हैं इस बात को कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक करने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सारे तजुर्बे हासिल करने के बाद ये एक मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को लिवर को पहले की तरह परफेक्ट कर देगा। जीरे का अर्क, सौंफ इलायची का अर्क और यह ग्रीन टी आप दो बार पिए तीन बार पिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। एक हफ्ते में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, खाना पचेगा, लूज मोशन वॉमिटिंग ये सारी सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, पेट बढ़िया तरीके से साफ होगा, गैस और एसिडिटी की समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। जिस बढ़े हुए पित्त की समस्या का आप सालों से सामना कर रहे हैं और उसके लिए रेगुलर एलोपैथी की सिट्रिजीन या कोई ना कोई दवाई का इस्तेमाल करते हैं, आप खुद चेक करेंगे कि उस दवा को लेने की अवधि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दवा आप इस्तेमाल करना खुद ही बंद कर दोगे, बढ़ा हुआ पित्त शांत हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को आज से ही इस्तेमाल करना चालू कीजिए, कहीं जाने की जरूरत तो है ही नहीं। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन की और आपको आवश्यकता पड़े तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कॉल ना कीजिए, एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ऐसा हो नहीं सकता आप लोग किसी को मैं रिप्लाई ना करूँ। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए आज से ही, स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट। नमस्कार।